हेलो वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी। मैं रमजान सर। दोस्तों सीबीएसई 10th और 12th कंपार्टमेंटल एग्जाम का सिलेबस क्या है, ऑनलाइन फी कब से स्टार्ट होगा, कितना पैसा लग रहा है, कहां करना होगा ऑनलाइन, कितने सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, जी हां सारी जानकारी, सिलेबस, ऑनलाइन डेट, ऑनलाइन फी कितना लग रहा है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है कंपार्टमेंटल एग्जाम का, और इंटरनल या प्रैक्टिकल का मार्क्स का क्या होगा, उसका क्या हिसाब लगेगा, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपार्टमेंटल जो सिलेबस होगा आपको टर्म टू का सिलेबस होगा, टर्म टू का सिलेबस होगा यानी कि अब थ्योरी होगा, रिटेन होगा, जो आप लिखे थे ना 2 नंबर 5 नंबर या 3 मार्क्स का पेपर या 4 मार्क्स का पेपर, उसी तरह का आएगा। ओनली कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, तो 40 मार्क्स का होगा, क्लास यानी जो 80 मार्क्स का था उसमें 40 मार्क्स का होगा, या 70 मार्क्स का रहा होगा उसमें 35 यानी कि 35 मार्क्स का एग्जाम होगा, टर्म टू सिलेबस होगा बस, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, सिलेबस समझ में आ गया, ठीक है ना दोस्तों, इजी ही आएगा क्वेश्चन, आप लोग घबराइए नहीं, एग्जाम की तैयारी बेहतर कीजिए अभी से। ऑनलाइन फी, ऑनलाइन डेट कब से होगा, तो डेट अभी ये जारी नहीं हुआ है ऑनलाइन करने का, जी हाँ, आप लोग का जो है अभी 23 जुलाई है, यानी कि नेक्स्ट वीक में आपको, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह से आप लोग का ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा भराना, ठीक है, अगले सप्ताह से। और ऑनलाइन फी कितना लगेगा, तो दोस्तों ऑनलाइन फी आपको 200 से लेकर के और 500 के बीच में, ठीक है, इतना पैसा आप लोग को लगेगा, ऐसे 200-300 इस तरह से लग रहा है, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा आपको, 200 से 400-500 के बीच में ही लिया जाएगा आपको का, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पासिंग क्राइटेरिया, और ये प्रैक्टिकल इंटरनल क्या होगा, इसका मार्क्स नया फिर से देना होगा या वही वाला रहेगा, तो सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, पूरा देखिएगा अंत तक, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए, पासिंग क्राइटेरिया क्या है मेरे दोस्तों, तो आपका जो टर्म वन का जो मार्क्स आया था पहले, ठीक है, टर्म वन का मार्क्स आया है, अभी जो टर्म टू का मार्क्स आया है, क्योंकि टर्म टू में आया है आपको कम मार्क्स आया, तभी ना फेल हो गए है, इसीलिए देना पड़ रहा है कंपार्टमेंटल। तो आपको अभी जो न्यू मार्क्स आप स्कोर कीजिएगा वो न्यू मार्क्स, ठीक है, न्यू मार्क्स जो आप लाइएगा ये टर्म टू का, जो अभी कंपार्टमेंटल का, वो मार्क्स आपको दोस्तों ऐड किया जाएगा, आपको ऐड किया जाएगा। और यहाँ पर इंटरनल या प्रैक्टिकल की बात करें तो आपको कोई भी प्रैक्टिकल का एग्जाम हो या इंटरनल का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल नहीं बनाना है आपको, जो पुराना वाला मार्क्स रहेगा ना वही आपको ऐड होगा। मान लो कि आपको 18 मिला है या 20 मिला है, जो भी मिला है वो आपको ऐड होगा। मान लो कि ये पुराना वाला टर्म वन में आपने स्कोर किया था 15 मार्क्स, बहुत मिनिमम कम मार्क्स लेकर के चल रहा हूँ 15 मार्क्स, और न्यू मार्क्स आपने स्कोर किया यहाँ पर मान लो कि 15 मार्क्स, ठीक है, और ये इंटरनल में मिला हुआ है 18 मार्क्स, तो इस तरह से आप ऐड कीजिएगा, 15, 15, 30 और 18 कितना हो जाता है, 45 और 48 हो जाता है, यानी कि 48 हो जाता है, तो इस तरह से आप बिल्कुल पास माने जाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो पासिंग क्राइटेरिया यही था। इसी तरह से 70 मार्क्स में आपको 35 मार्क्स का ही एग्जाम होगा, ठीक है, तो आपको स्कोर करना है बस 11 मार्क्स से ऊपर लाना है, दोनों को कंबाइंड करके आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, टर्म वन और ये टर्म टू, ये न्यू वाला मार्क्स, न्यू जो अभी स्कोर कीजिएगा न्यू मार्क्स, और इंटरनल हो या प्रैक्टिकल हो PCL कहिए, सबको ऐड करके और टोटल मार्क्स बनेगा आपको, जी हाँ सबको टोटल मार्क्स आपको बनेगा। तो आपको 33% मार्क्स लाना है, कितना मार्क्स लाना है, इसमें भी सेम ही पासिंग क्राइटेरिया है, जिस तरह से आप एनुअल का एग्जाम दिए हैं अभी रिजल्ट आया है उसी तरह से इसका सेम पासिंग क्राइटेरिया, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर या ये इंटरनल जो प्रैक्टिकल है ये पुराना वाला ही मार्क्स रहेगा, ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया, यानी कि आप तो पूरा समझ में आ ही गया होगा एग्जाम सिलेबस क्या है, और आप लोग कहिएगा तो मैं मैथ क्लास 10th का पढ़ा दूंगा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम से आप लोग कहिएगा तो कमेंट कीजिएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, आप लोग का समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये लगभग लगभग पूरा हो ही गया है। ऑनलाइन डेट जो है आप लोग का जो है 23, यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम जो है, हाँ ये एग्ज़ाम जो है 23 अगस्त से, जी हाँ मेरे साथियों 23 अगस्त से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्टिंग है, ठीक है, 23 अगस्त से। तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा अभी नेक्स्ट वीक में, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाइएगा, यानी साइबर कैप में जाइएगा, वहाँ से आपको ऑनलाइन भरा जाएगा, उसके बाद फिर एडमिट कार्ड आएगा। एग्जाम सेंटर क्या होगा, तो एग्जाम सेंटर आपको जैसे सेंटर दिए थे ना पिछले एग्जाम दिए हैं अनुअल में, उसी तरह से आपको सेंटर होगा, तो वहाँ पे आप एग्जाम दीजिएगा, घबराइए नहीं।
अभी से तैयारी में जुट जाइए कि अभी से बेहतर मार्क्स लाना है, अच्छा स्कोर करना है साथियों। जी हाँ, क्योंकि आप लोग खुद समझदार है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा ऑथेंटिक वीडियो 100% रियल वीडियो देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।